नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं बिहार SSC से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को देखेंगे जीव विज्ञान से संबंधित। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे एक टॉपिक के जो कि है पोषण। तो दोस्तों पोषण से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे इस टॉपिक को हम लोग पूरी तरह कवर करेंगे। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम आपके कंप्लीट थ्योरी को लेने वाले हैं और साथ साथ हम लोग MCQ प्रैक्टिस भी करेंगे। और साथ साथ इस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि हम लोग PYQ प्रश्नों को करेंगे, बिल्कुल करेंगे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बिना वक्त गंवाए अपने एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है। चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन का। तो दोस्तों ये न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जानिए। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? पोषण होता है, यानी कि जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं ना, भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारा हाथ कट गया है और फिर वो फिर से क्या होता है, भर जाता है। यानी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन में हमको मिलते हैं पोषक तत्व। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। अब ये जो पोषक तत्व है वो हमारे शरीर में जाता है और हमारे शरीर की वृद्धि विकास और कहीं टूट फूट की मरम्मत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात तुमको जाननी है कि पोषक तत्व क्या होते हैं, पोषण क्या होता है, पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, कौन क्या करता है, हर एक बात को जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे बात को समझिए कि सबसे पहले न्यूट्रिशन के डेफिनेशन के बात कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन है लेकिन आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर ला सकता है कि पोषक तत्व को ग्रहण करना तथा उनका उपयोग होना। पोषक तत्व ग्रहण करना, पोषक तत्व ग्रहण करना, ठीक है, और उपयोग होना, उपयोग होना क्या कहलाता है दोस्तों? पोषण कहलाता है। यानी कि पोषक तत्व ग्रहण करना और उनका उपयोग होना क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूट्रिशन। अब यहां पे एक बात आती है दोस्तों जो कि सबसे खास है कि सर ये जो पोषक तत्व है यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स आते कहां से हैं? तो याद रखिएगा, ये जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं कहां से आते हैं? तो वो आते हैं फूड से, फूड के बोले तो भोजन से। ठीक है, ओके। अब यहां पे बात याद रखिएगा कि भोजन क्या है, तो याद रखेंगे भोजन क्या है, एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ है जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है? पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है, जिससे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या होता है? भोजन। अब यहां पे एक बात हमें देखनी है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है आखिर ये क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं। तो बात को समझिएगा कि भोजन के कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ठीक है, भोजन के घटक को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। भोजन के घटक को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब यहां पे बात रही कि सर इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है? तो याद रखिएगा इनका जो फंक्शन होता है बहुत ही खास होता है। देखिए इनके कार्य, किसके कार्य? तो पोषक तत्व के कार्य। ठीक है, कार्य को समझिएगा, कार्य क्या होता है? कार्य होता है शरीर की वृद्धि, ठीक है, विकास एवं मरम्मत। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि वैसे कंपोनेंट या वैसे पदार्थ जो शरीर की वृद्धि विकास और टूट फूट की मरम्मत करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा वैसे पदार्थ हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? पोषक तत्व, ठीक है,
ये पोषक तत्व तो कितने प्रकार के होते हैं इस बात को हमें जानना है। चलिए अब देखिए पोषक तत्व तो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले जो पोषक तत्व तो होते हैं वो क्या करते हैं, शरीर निर्माता। एक होता है ऊर्जादायक, यानी कि एक हमको क्या करता है, हमारे शरीर को बनाता है, एक क्या करता है ऊर्जा देता है। शरीर निर्माता में आ जाएंगे प्रोटीन, ठीक है दोस्तों, कौन आएगा, प्रोटीन, ठीक है याद रखिए। ऊर्जादायक में कौन आएगा, तो ऊर्जादायक में आएंगे आपके एक आएगा फैट, एक आएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। फैट को हम लोग कहते हैं वसा, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। एक बात याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात, ठीक है। अब यहां पे आपसे प्रश्न पूछी जाए कि बताइए, एक प्रश्न है आपसे कि फैट एवं कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऊर्जा कौन देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा ऊर्जा कौन देगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा फैट, ठीक है। फैट क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। एक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में इंस्टेंट यानी कि जल्दी से ऊर्जा कौन देता है। क्वेश्चन है फैट और कार्बोहाइड्रेट में जल्दी ऊर्जा कौन देता है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में जल्दी ऊर्जा कौन देता है, बताइए जल्दी से बताइए। तो आपको बता दें, आप कभी गर्मी के दिन में क्या होता है, जब गर्मी होती है तो आप घर पे आते हैं, ग्लास में पानी डालते हैं, ठंडा सा उसमें डाल देते हैं ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज घोल करके पी जाते हैं। आपके शरीर में क्या होता है, तो एक फुर्ती सी आ जाती है, कैसी आती है, एक फुर्ती सी आ जाती है, यानी कि आपके शरीर को ऊर्जा मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ग्लूकोज किसमें का है, तो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है, ठीक है। ग्लूकोज 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 मिलेगा तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, ओके। तो यहाँ पर प्रश्न है कि फैट और कार्बोहाइड्रेट में जल्दी ऊर्जा कौन देता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, फैट और कार्बोहाइड्रेट में जल्दी ऊर्जा कौन देता है, तो जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, याद आपने देखा कि शरीर को बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए, क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कौन ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है, तो फैट देता है, और कौन जल्दी देता है, तो है कार्बोहाइड्रेट। आई होप कि प्रश्न और ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन के प्रकार की, ठीक है दोस्तों। हमने ये बात किया न्यूट्रिशन क्या है, फूड क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स क्या है, कौन ज्यादा मात्रा में ऊर्जा देता है, कौन कम मात्रा में ऊर्जा देता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के प्रकार की। देखिएगा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, पोषण के प्रकार। अब ये पोषण के प्रकार है, बहुत ही खास है पोषण के प्रकार। इसमें देखेंगे दोस्तों कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होने चाहिए पोषण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक को हम लोग कहते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है, एक को कहते हैं परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन,
ठीक है, और परपोषी पोषण को हम लोग कहते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या देखा कि पोषण कितने प्रकार के हैं, तो पोषण आपके होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्वपोषी पोषण, दूसरा होता है परपोषी पोषण। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात को डिस्कस आगे करते हैं। अब देखिए, अब स्वपोषी पोषण क्या है इसको डिस्कस करेंगे, तो समझिएगा। स्वपोषी यानी कि स्वयं को पोषण प्रदान करना, यानी कि स्वयं भोजन बनाना, स्वयं भोजन बनाते हैं, स्वयं भोजन बनाना। ठीक है, स्वपोषी पोषण में क्या होता है, तो स्वयं भोजन बनाते हैं, और जो भोजन बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। ओके, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स। ओके, अब यहां पे याद रखिएगा, अब ऑटोट्रॉफ्स में कौन कौन से होते हैं, तो बहुत ही खास है कि यहां पे देखिएगा कि ये जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स यानी कि स्वपोषी, स्वपोषी आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक जिसे हम लोग कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, कीमो ऑटोट्रॉप्स, और एक को कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटो ट्रॉप्स। ठीक है, एक को हम लोग कहते हैं रसायन संश्लेषी, रसायन स्वपोषी, सॉरी रसायन स्वपोषी, स्वपोषी। ठीक है, और एक को कहते हैं प्रकाश स्वपोषी, प्रकाश स्वपोषी। एक बात याद रखिएगा, जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये क्या करते हैं, अपना भोजन जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसे हम लोग कहते हैं कीमो सिंथेसिस, कीमो सिंथेसिस। ठीक है, रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, रसायन संश्लेषण, और प्रकाश इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। यानी कि दोस्तों आपको हम बता दें कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि जो स्वपोषी होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक कीमो ऑटोट्रॉप, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स को रसायन स्वपोषी कहते हैं और फोटोट्रॉप्स को हम लोग प्रकाश स्वपोषी, और ये इनके जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और जो रसायन के द्वारा यूज करते हैं उसको हम लोग कीमो सिंथेसिस यानी कि रसायन संश्लेषण कहते हैं। इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कीमो सिंथेसिस का। ठीक है, कीमो सिंथेसिस, अब देखिए कीमोसिंथेसिस में क्या होता है, कीमोसिंथेसिस में आवश्यक जो ऊर्जा होती है, आवश्यक ऊर्जा, ये जो आवश्यक ऊर्जा होती है किससे प्राप्त होती है, तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा कहने का मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है, केमिकल रिएक्शन से जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसी का प्रयोग करके यहां पर क्या किया जा रहा है, भोजन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कीमोसिंथेसिस में आवश्यक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, वो होती है रासायनिक ऊर्जा। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि कीमोसिंथेसिस किस में पाया जाता है, तो उदाहरण देखिए नाइट्रोसोमनास नाइट्रोवेक्टर, नाइट्रोसोमनास नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, तो ये आपके हो गए कीमोसिंथेसिस। अब बात करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, फोटोसिंथेसिस,
प्रकाश संश्लेषण। ओके, प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें जो आवश्यक ऊर्जा होगा कहां से लिया जाएगा, तो आवश्यक ऊर्जा लिया जाएगा सूर्य से, आवश्यक ऊर्जा लिया जाएगा सूर्य से, ठीक है, कहां से, सूर्य से। ओके, और हाँ दोस्तों, इसमें जो भोजन बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, तो सूर्य के प्रकाश की मदद से बनेगा। और इसका जो एग्जांपल होता है दोस्तों वो होता है आपका हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे। और एक होता है नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ठीक है, ये आपके होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, स्वपोषी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ दोस्तों, अब हम पूरी तरह डिटेल में सबसे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण को डिस्कस करेंगे। किसको, प्रकाश संश्लेषण को डिस्कस करेंगे, फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस, अब इस बात को ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में देखिएगा, इसमें दो टर्म है, एक है फोटो, ठीक है, एक है सिंथेसिस। सिंथेसिस, अब फोटो का मतलब क्या होता है, तो फोटो का मतलब आप वो अपना तस्वीर वाला फोटो मत समझ लीजिएगा, फोटो का मतलब होता है प्रकाश। अब फोटो यानी कि यहाँ पे याद रखिएगा, जो प्रकाश होती है उसमें जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, पॉकेट में आती है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटोन, ठीक है, तो वहीं से लिया गया है फोटो। अब फोटो है, और सिंथेसिस का मतलब संश्लेषण, संश्लेषण यानी कहने का मतलब कि वैसी प्रक्रिया जिसमें पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण है उसको हम लोग एक रिएक्शन के द्वारा समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात समझिएगा, ठीक है, अब देखिए ये CO2 हो गया, फिर ये H2 हो गया, हर एक एक बात को डिस्कस करेंगे, CO2 कहां से लिया जाएगा और H2O कहां से लिया जाएगा। आपको थोड़ा सा भी नहीं देखना है कि सर डायरेक्ट आप रिएक्शन पे चलेगा, नहीं, हम आपको एक एक बात को डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन हमको ये जरूर नहीं कि लिखवाएं, आप उसको ध्यान से समझ सकते हैं, CO2H2O, ठीक है, CO2H2O है। और यहाँ पे याद रखिएगा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, और हाँ दोस्तों एक है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है हम आपको बताएंगे, क्लोरोफिल है, ठीक है। तो CO2 है, H2 है, सूर्य का प्रकाश है और क्लोरोफिल है। अब यहाँ पर रिएक्शन होगी, और रिएक्शन के फलस्वरूप देखिए क्या बनेगा, रिएक्शन के फलस्वरूप बनेगा C6H12O6+H2+O2, ठीक, ओके, O2 क्या है, तो एक गैस है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड ये जल है, और ये क्या है, ये है ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज है, फिर ये जल है, और ये ऑक्सीजन गैस, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब एक बात को, इस डिफिनेशन को यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है इसका डिफिनेशन को समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान समझिए इस बात को, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होता है, CO2 और H2O के बीच में रिएक्शन होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की मदद से, जिसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, तो ग्लूकोज बनते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो दोस्तों यहाँ याद रखिएगा, अब यहाँ आपसे ये बात पूछी जाए, ये आपने प्रकाश संश्लेषण का डेफिनेशन भी देख लिया और रिएक्शन भी देख लिया, ठीक है। चलिए ये इसको हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, 6H2O और ये 12H2O, ठीक है, 6H2O और 6O2, ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, एग्जाम में यही पूछी जाती है कि प्रकाश संश्लेषण कब होती है, तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण कब होती है, तो प्रकाश संश्लेषण क्या होती है, केवल दिन में होती है, केवल दिन में होती है,
दिन में होती है। अब यहाँ पे जो सबसे खास बात है जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि प्रकाश संश्लेषण कब अधिक कब होती है और कम कब होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिक कब होती है तो रेड लाइट में, रेड लाइट में यानी कि लाल रंग के प्रकाश में, और कम कब होती है तो ब्लू लाइट में, ब्लू लाइट में। ओके ओके, तो आपने क्या देखा कि प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होती है और सबसे कम ब्लू रंग के प्रकाश में होती है, और प्रकाश संश्लेषण कब होती है तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण आखिर होता कहाँ है, तो उसको हम लोग देखते हैं। याद रखिएगा कि जो प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, ठीक है, या प्रकाश संश्लेषण जो हम लोग टॉपिक यहाँ पे देखे हैं, तो दोस्तों हमने जो आपको रिएक्शन बताया है उसमें हम आपको दो बातें बताए, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो ग्लूकोज आया है तो ये है इसका प्रोडक्ट, ठीक है, क्या है इसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है, प्रकाश संश्लेषण का। अब यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये है बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह जाती है कि प्रकाश संश्लेषण में, देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो कच्ची सामग्री है वो आया कहां से, ठीक है, तो रॉ मटेरियल देख लीजिएगा, रॉ मटेरियल। अब देखिए इसका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल में क्या क्या है, तो रॉ मटेरियल में है H2O और ये CO2, याद रखिएगा H2O और CO2 ही रॉ मटेरियल है, ठीक है। लेकिन आवश्यक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आपके सूर्य के प्रकाश से भी, सूर्य का प्रकाश और ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ओके, चलिए H2O और ये CO2। अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ठीक है, जैसे कि क्या है, एक हम आपको बताते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें हम, ओके ओके, ये क्या है, एक पौधा हो गया, क्या है, एक पौधा हो गया, ये इसका जड़ है, क्या है इसका जड़ है, तो देखिएगा ये मिट्टी है, क्या है ये मिट्टी है, तब मिट्टी से क्या होगा, तो मिट्टी से जल जाएगा, मिट्टी से जल जाएगा यानी कि H2O, ठीक है, H2O कहाँ से गया, मिट्टी से गया। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर देखिएगा ये होता है एटमोसफियर, वायुमंडल, वायुमंडल। अब वायुमंडल से क्या मिलेंगे इसे, तो वायुमंडल से इसे मिलने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस जो कि दोस्तों CO2। तो CO2 कहां से मिलेगा इसको, वायुमंडल से, ठीक है ओके। और H2O कहां से मिलेगा, तो मिट्टी से, ओके। एक प्रश्न ये भी है कि ये जो पौधा है इसमें जल किस प्रक्रिया के द्वारा जाएगी, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जड़ के द्वारा जो पानी को अवशोषित किया जाता है, यानी इसके जड़ के द्वारा जब पानी को अवशोषित किया जाता है, किस प्रक्रिया के द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो वो होता है परासरण, ठीक है, वो प्रक्रिया क्या है, परासरण, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ठीक है, क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस, याद रखिएगा, ठीक है ओके। अब यहाँ पे बात रहा सर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल कहां से आएगा, ये तो आपको पता ही है कि सूर्य के प्रकाश कहां से आएगा, तो सूर्य से आएगा, और क्लोरोफिल कहां पर उपस्थित होता है, तो क्लोरोफिल इसकी पत्तियों में होती है, ओके, कहां होती है, पत्तियों में होती है। अब यहां पे सबसे खास बात आती है जो कि आप उसे समझिएगा। अब यहां पे कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, देखिएगा प्रकाश संश्लेषण का स्थान, प्रकाश संश्लेषण का स्थान, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वो क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण का जो स्थान होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या होता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं हरित लवक, क्या कहते हैं, हरित लवक। तो दोस्तों यहाँ पे
अब हम लोग थोड़ा सा हरित लौह को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, हमने आपको प्रकाश संश्लेषण के प्रोडक्ट भी बता दिए हैं और बाय प्रोडक्ट भी बता दिए हैं। ओके, थोड़ा सा अब हम लोग बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। इसे हम लोग कहते हैं हरित लवक। हरित लवक, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसके हम लोग डायग्राम को देखेंगे, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। ओके, चलिए दोस्तों, ये क्या है? तो ये एक हमने बनाया है हरित लवक को, ठीक है। ओके, अब यहां पर देखिएगा, ये जो हरित लवक है क्या है, इसमें दो को झिल्ली, कितने हैं? दो झिल्लियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे एक बात आती है कि कैसा होता है, तो दोहरी झिल्ली वाला होता है, दोहरी झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाला। ओके, कितनी झिल्ली वाला? दोहरी झिल्ली वाला। अब यहां पर देखिएगा, इसमें डीएनए पाया जाता है, ठीक है, डीएनए पाया जाता है। अब इसे हम लोग क्या कहते हैं? सीपी डीएनए कहते हैं। याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में जो डीएनए होता है उसको सीपी डीएनए या सीटी डीएनए कहते हैं। ओके, अब देखिएगा, इसमें ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं दोस्तों, ये है राइबोसोम। क्या है? राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें खुद का अपना डीएनए होता है और इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। अब इसमें खुद का अपना डीएनए होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं अर्धस्वायत्त सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस कोशिकांग के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें खुद का अपना डीएनए होता है, ये खुद से विभाजित हो सकता है। अब देखिएगा, अब यहां पर आपको ये जो संरचना दिख रही है, ये जो आपको एस्टेक यानी कि एक ढेर दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेना कहते हैं। ओके, अब यहां पे हम इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। चलिए, तो ये क्या है? ये है ग्रेना। अब ग्रेना से हम क्या करते हैं? एक इकाई को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं थैलाकॉइड। ओके, क्या कहते हैं? थैलाकॉइड कहते हैं। अब जो थैलाकॉइड होता है, तो थैलाकॉइड जो होता है ना, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसी में क्या उपस्थित होता है? तो इसी में आपके उपस्थित होते हैं क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ओके, पर्णहरित, पर्णहरित, ठीक है। ओके, अब यहां पर थोड़ा सा देख ही लेते हैं। तो जो ग्रेना होता है, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना से जुड़ा है, ठीक है। इसमें अब थोड़ा सा एक बात बताते हैं, इसमें जो तरल पदार्थ भी होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में तरल पदार्थ भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमा। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। ओके, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमको क्लोरोप्लास्ट को पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करना है, उसको हम लोग सेल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमको प्रकाश संश्लेषण के जितने भी कंसेप्ट को लेने थे उसको हमने यहाँ पे लिया, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा, तुमने फिर वन सेकेंड बता ही देते हैं कि इसमें राइबोसोम होता है और इसमें खुद का अपना डीएनए पाया जाता है। यानी कि अगर आप इसको बैक्टीरिया से कंपेयर कराते हैं, तो बैक्टीरिया से कंपेरिजन में सेम टू सेम ये मिल जाएगा। तो दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या कहते हैं? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंथेसिस। और एक प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और वो क्या है दोस्तों? और वही प्रश्न है कि ये प्रकाश संश्लेषी अंगक है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, ठीक है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको हम बता दें एक जो सबसे खास पॉइंट है कि पत्तियां, ठीक है, ये जो पत्तियां होती हैं, लिप्स होती हैं दोस्तों, इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं।
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनो, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनो, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन कहते हैं। अब यहाँ पे खास बात देखिएगा, अब पत्तियों का जनरली जो कलर होता है कैसा होता है, तो याद रखिए पत्तियों का जनरली जो कलर होता है वो होता है हरा, ठीक है, ग्रीन होता है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि सर ये हरा रंग किसके कारण, किसके कारण, किसके कारण हरा होता है, तो याद रखिएगा ये किसके कारण होता है, तो पर्णहरित के कारण, पर्ण पर्णहरित के कारण, ठीक है। पर्णहरित करने का मतलब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण। ओके दोस्तों याद रखिएगा, हम यहाँ पे एक बात बताते हैं कि जो क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम क्या है, एक तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम एक तत्व पाया जाता है, और याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, ये महत्वपूर्ण है। ओके साथ साथ आपको बता दें इसमें सोडियम भी होता है, याद रखिएगा सोडियम भी होता है, लेकिन मैग्नीशियम को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा मैग्नीशियम क्या करता है, मैग्नीशियम जो करता है कि जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन यानी कि विकिरण ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा यानी कि सौर विकिरण, ठीक है, जो सौर विकिरण है यानी कि जो सोलर रेडिएशन, रेडिएशन एनर्जी है, इसको क्या करता है, तो केमिकल एनर्जी में बदलता है, केमिकल एनर्जी में बदलता है, ठीक है। ओके अब यहाँ पर जब बात आ ही गई है, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर भी डिस्कस कर लेते हैं, क्या, क्लोरोफिल। तो दोस्तों इसका जो रंग होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग हरा होता है, इसका रंग हरा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। ओके क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, इसका रंग हरा होता है इसे प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं। ओके क्लोरोफिल में एक खास प्रकार का यूनिट पाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं दोस्तों क्वांटासोम, क्वांटासोम। अब ये क्वांटासोम क्या होता है, तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वांटासोम, ये जो क्वांटासोम होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी इकाई, ठीक है। तो क्वांटासोम इसमें होता है क्लोरोफिल में, तो क्लोरोफिल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक कहते हैं, इसका रंग हरा होता है, इसमें एक यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटासोम, प्रकाश संश्लेषी इकाई। ओके दोस्तों आई होप कि क्लोरोफिल के बारे में क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण, देखिए हाँ पत्तियों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, हाँ पत्तियों के बारे में एक और बात आपको हम बता दें कि जो पत्तियां होती हैं इसे हम लोग पौधे का रसोई घर, पौधे का रसोई घर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब याद रखिए पौधे ने क्या किया, देखिए प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण हुआ, क्या हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ क्या बना, ग्लूकोज, क्या बना जी, C6H12O6 बना ग्लूकोज। ओके और क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। ओके ऑक्सीजन गैस किसमें प्रयोग में लाया गया, श्वसन में, श्वसन में उपयोग हुआ, श्वसन में उपयोग। ओके चलिए अब ये जो ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज क्या किया जाएगा, तो इसे पौधे उपयोग करेंगे, और जब उपयोग करेंगे तो देखिएगा जैसे मान लेते हैं कि अभी पौधे के पास भोजन है, लेकिन उसने प्रकाश संश्लेषण किया और उससे अधिक हो गया, बनाया और अधिक हो गया, तो उसको क्या करेंगे, आप फेंक थोड़ी देंगे, नहीं ना देंगे, फेंकेंगे बिल्कुल नहीं, क्या करेंगे, उसे जमा करेंगे, क्या करेंगे,
जमा करेंगे, किसमें जमा करेंगे दोस्तों, तो वो जमा करेंगे स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में जमा करेंगे, ठीक है, कौन, तो पौधे, कौन जमा करेंगे, तो पौधे जमा करेंगे। अब यहां पे एक बात आती है, अगर हम बात करते हैं एनिमल का, यानी कि एनिमल जो जंतु है वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज किस रूप में जमा करेगा, तो याद रखिएगा वो भी क्या करेगा, जमा करेगा किस रूप में, तो वो होता है ग्लाइकोजन, किस रूप में जमा करेगा, तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा करेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, हमने ये देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनी है, ग्लूकोज बना है। ग्लूकोज पौधे आवश्यकता से अधिक किस रूप में जमा कौन कर रहा है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, पौधा की बात कर रहे हैं, किस रूप में जमा कर रहा है, तो स्टार्च के रूप में जमा कर रहा है। फिर हमने बात किया एनिमल का, तो एनिमल किस रूप में जमा कर रहा है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग हवा को देखते हैं, देखिएगा जब हम एक हवा को देखेंगे ना, सॉरी एक नहीं, जब हम हवा को देखेंगे तो क्या होता है, ये गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि इसमें आपके ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 और अदर गैसेस होते हैं, अदर गैसेस, ओके, कहा जाता है 21%, 78% और 0.03%, ठीक है। अब इनका बैलेंस बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, यानी कि खास करके ऑक्सीजन और CO2, ऑक्सीजन और CO2 का बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। अब यहाँ पे एक बात आती है कि याद रखिएगा ऑक्सीजन एवं CO2 का संतुलन, संतुलन कैसे बैलेंस रहता है, तो किस प्रक्रिया के द्वारा बैलेंस रहता है दोस्तों, याद रखिएगा किस प्रक्रिया के द्वारा, तो ऑक्सीजन और CO2 का संतुलन किस प्रक्रिया के द्वारा, तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होती है, तो ये प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीजन और CO2 में बैलेंस बना रहता है, ठीक है, ऑक्सीजन CO2 का बैलेंस बना रहता है, ओके। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखिए क्या महत्वपूर्ण है, हमको ये महत्वपूर्ण है कि ठीक है सर, वायुमंडल में तो CO2 होता है, ठीक है, तो ये CO2 ग्रहण किस अंग के द्वारा करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, तो याद रखिएगा जैसे कि आपको हम बता दें कि क्या है, तो ये एक लीफ है, ठीक है, ये एक लीफ है, ओके, ये एक लीफ है, तो इसमें याद रखिएगा इसमें एक संरचना होती है, ओके, ऐसे एक संरचना होती है दोस्तों, याद रखिएगा संरचना होती है। अब ये संरचना होती है जो कि यहां पर देख सकते हैं, ओके, देखिए दोस्तों इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा, क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं एस्टोमाटा, वायु रंध्र, वायु रंध्र, ठीक है, वायु रंध्र कहते हैं, बहुत क्लियर बात है, यानी कि जब इसे प्रकाश संश्लेषण करना होगा, बात को समझिएगा, हम आपको दो बात बता रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, और श्वसन, दो बातें आप समझिए, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन, प्रकाश संश्लेषण में इसके अंदर क्या जाएगा, CO2 जाएगा, क्या जाएगा, CO2 ग्रहण किया जाएगा, ओके, बाहर क्या आएगा, ऑक्सीजन आएगा, किस प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण में, ओके। अब देखिए अब हम बात करते हैं श्वसन का, तो श्वसन की प्रक्रिया में अंदर क्या जाएगा, अंदर जाएगा ऑक्सीजन, क्या जाएगा, ऑक्सीजन, अब ये बाहर क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा CO2, यानी कि एक बात याद रखिएगा, पौधे भी श्वसन की क्रिया करते हैं, पौधों को भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों यहां पर एक बात समझिए,
अब ये ऑक्सीजन जब प्रकाश संश्लेषण हुई तो इन्होंने क्या ग्रहण कर लिया, तो इन्होंने ले लिया CO2, क्या ले लिया CO2, फिर क्या हुआ CO2 ले लिया और ऑक्सीजन रिलीज किया, फिर ऑक्सीजन लिया CO2 रिलीज किया, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और जो CO2 है इसका बैलेंस बना रह रहा है, इसका बैलेंस बना रह रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आती है खास जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके सामने, देखिए अब बात यह है कि जो ये जिसको हम लोग एस्क्रमाटा कहते हैं उसमें दो सेल होते हैं, ये सेल होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं गार्ड सेल, गार्ड सेल इसे हम लोग कहते हैं रक्षी कोशिका, रक्षी कोशिका, रक्षी कोशिका। अब यहां पे जो सबसे खास बात आती है कि क्या खास बात आती है कि रंध्र का बंद होना और खुलना कौन नियंत्रित करता है, तो रंध्र का बंद होना और जो खुलना होती है कौन नियंत्रित करता है, तो इसको नियंत्रित करता है गार्ड सेल। ओके दोस्तों, तो रंध्र कब बंद होगा कब खुलेगा किसके कंट्रोल में है, तो है गार्ड सेल के कंट्रोल में है। आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो खास बात बताते हैं, देखिए जनरली ये जो रंध्र होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, पत्तियों में पाए जाते हैं, जनरली कहाँ पाए जाते हैं तो पत्तियों में पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है एक्सेप्शन का है, हाँ एक पौधे के नाम बताएंगे जिसमें रंध्र पाया नहीं जाता है दोस्तों, याद रखिएगा वो है हाइड्रीला, हाइड्रीला। दोस्तों हाइड्रीला क्या है, तो एक जलीय पौधा है, जलीय पौधा है, ठीक है हाइड्रीला क्या है, जलीय पौधा है। अब जलीय पौधा तो इसमें क्या नहीं पाया जाता है, इसमें वायु रंध्र नहीं पाया जाता है, वायु रंध्र क्या रहता है एब्सेंट रहता है, क्या होता है दोस्तों एब्सेंट रहता है। तो आई होप कि हमने यहाँ पे आपको न्यूट्रिशन, फूड, न्यूट्रिएंट्स, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण का रॉ मटेरियल, प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में क्या बना, क्या प्रोडक्ट बना, क्या बाय प्रोडक्ट बना, फिर हमने ये भी बात किया क्या होता है क्लोरोफिल, उसका रंग कैसा होता है, करता क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्या है, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्या है, प्रकाश संश्लेषी अंग क्या है, फिर एस्टोमाटा क्या है, पौधे ऑक्सीजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, कैसे ग्रहण करते हैं, CO2 कैसे ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, ये सब हमने बात को देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक प्रश्न बताते हैं, अब प्रश्न यही है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, प्रकाश संश्लेषण में O2 कहाँ से रिलीज होता है, कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज होता है। चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं, तो दोस्तों हम आपको बता दें, तो सुनिए ध्यान से, जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस है यानी कि प्रकाश संश्लेषण है, क्या है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण है, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस है इसमें आपके दो क्रियाएं होती हैं, कितनी क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं दोस्तों, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहते हैं, और दूसरी प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं लाइट रिएक्शन, एक होती है डार्क रिएक्शन, एक होती है लाइट रिएक्शन। अब देखिएगा डार्क रिएक्शन में क्या होता है, तो डार्क रिएक्शन में जो CO2 होता है और H2O होता है क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। अब लाइट रिएक्शन में क्या है तो समझिएगा, जो H2O होता है इसके ऊपर पड़ता है क्या है, UV रेडिएशन, क्या पड़ता है UV रेडिएशन। अब जब H2O के ऊपर UV रेडिएशन पड़ता है तो ये क्या करता है, ये इसे तोड़ देता है H2 प्लस O2 में, और ये गैस कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन रिलीज होता है कहाँ से रिलीज होता है, तो वो ऑक्सीजन रिलीज होता है जल से, ठीक है। ओके आई होप यहाँ पे हमने आपको एक एक कंसेप्ट को डिस्कस किया,
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूट्रिशन के पार्ट टू को देखेंगे, जिसमें हम लोग अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम पढ़ लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे मशरूम यानी कि कवक में भी हम लोग पोषण को डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।